Yeah, it's a sunny day and I am on the beach. Hello guys, आप मेरी excitement देख सकते हो क्योंकि मैं बहुत दिनों से wait कर रही थी इस sunny day का. Finally, आज वो sunny day है. सामने आप देख सकते हैं काफी stall लगे हुए हैं shopping के लिए. आप सोच रहे होंगे कि मैं किस beach पे आई हूँ, but ये Netherland का famous beach है. ये Den Haag में है और मैं आई हूँ एम्स्टरडैम से Den Haag. आज आप वंडर कर रहे होंगे कि मैं कहाँ खड़ी हूँ. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैं बीच पे आई हूँ. जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज सनी डे है, इसलिए आपने प्लान किया कि हम बीच आते हैं. तो बीच का नाम है स्केविंगन बीच. तो या ये नेदरलैंड का काफी फेमस बीच है. यहाँ पे बहुत अच्छा फील है. ये बीच अपने वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर, ब्यूटीफुल सैंड शोर और बहुत सारी फन एक्टिविटी के लिए फेमस हैं. तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं. जैसा कि आप सामने देख ही सकते हैं, बहुत वेव्स आ रही हैं और यहाँ पे बहुत विंडी भी था. आज का डे सनी है इसलिए ज़्यादा ठंड नहीं है, बट स्टिल वी हैव कैरिड अ जैकेट विथ अस. ये ब्यूटीफुल सीशोर आप मेरे सामने देख सकते हैं और आप ये ना भूलें, यहाँ आना बहुत ही कन्वीनियंट है. अगर आप एम्स्टरडैम में रहते हैं तो वहाँ से बस एक ट्रेन और ट्राम दूर ही हैं और यहाँ आकर आप इन वेव्स का मज़ा ले सकते हैं और यहाँ के सैंड में प्ले भी कर सकते हैं. यहाँ पे बहुत ही बड़ा बीच है ये, तो आप यहाँ पे फुल वॉक भी कर सकते हैं. तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ का पानी कितना साफ है. ये नॉर्थ सी से कनेक्टेड है तो यहाँ पे वेव्स और विंड भी बहुत ज़्यादा है. मुझे आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा. मुझे स्पेशली इन वेव्स को देख के, यहाँ पे का पानी के शोर को देख के बहुत पीसफुल सा फील होता है, इसलिए मैं बीच पे आना बहुत बार प्रेफर करती हूँ. इट्स वर्थ कमिंग हेयर. ये नेदरलैंड का बहुत ही फेमस बीच है, तो जब भी आप नेदरलैंड आए यहाँ आना ना भूलें. अगर आप एड्रेनल जंकी हैं और कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट्स की तलाश में आप यहाँ आए हैं तो ये स्पॉट आपको निराश नहीं करेगा. यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, सर्फिंग से लेके विंड सर्फिंग तक. और यहाँ पे एक फेरी भी है जहाँ पे आप जा सकते हैं, जो कि आपको फुल नॉर्थ सी का व्यू देगा और वो व्यू बहुत ही मेस्मराइजिंग है. एज यू कैन सी कि यहाँ पे बहुत वेव्स हैं, तो सर्फिंग के लिए आप जगह है, तो आप यहाँ पे आके सर्फिंग भी कर सकते हैं. ये बीच 2.5 किलोमीटर में फैला हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ भी बहुत अच्छी है. यहाँ पे कितने सारे लोग अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं. लेट्स गो टू पियर नाउ. आप यहाँ पे जब आएंगे तो आपको सामने लंदन आई की तरह एक फेरी व्हील दिखेगी जो बहुत बड़ी है. फेरी व्हील में जाने के अलग चार्जेस हैं. आप यहाँ से टिकट भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या वहाँ जाके भी परचेज कर सकते हैं. जब आप इसके अंदर जाएंगे तो वहाँ से आपको बहुत प्यारा व्यू दिखेगा. और अगर आप बंची जंप करना चाहते हैं तो स्केविंगम बीच में वो ऑप्शन अवेलेबल है. इसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, आप टिकट ले सकते हैं. देखिए ये इस तरह से हमने बंची जंप करा था. अगर आप इन सारी एक्टिविटीज का रेट जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, वहां पे सारी एक्टिविटीज का रेट.
मेंशन्ड है, और आप यहाँ पर जब कभी आए फुल टाइम लेकर आए ताकि आप इन सारी एक्टिविटी को अच्छे से इंजॉय कर सकें। यहाँ पे बीच साइड बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और अगर आप इंडियन फूड यहाँ पे ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पे आपको इंडियन फूड भी मिल जाएगा। जस्ट बिफोर एंटरिंग दिस बीच देयर इज एन इंडियन रेस्टोरेंट, और ये है पियर का एंट्रेंस। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या चीज अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे इवनिंग में आ रहे हैं तो बहुत बार यहाँ पे पार्टीज और कॉन्सर्ट कंडक्ट किए जाते हैं, यहाँ पे उस ड्यूरेशन बहुत रश रहता है। एंड इफ यू वांट टू पार्टी अलोंग तो आप इस बीच पार्टी को मिस ना करें, आप यहाँ आके फुल एंजॉय करें। और पियर के फ्रंट पे जाके हमें ये ब्यूटीफुल व्यू दिखा, तो हमने सोचा खाने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, और वेव्स को देखने का मजा तो कुछ और ही है। बहुत सारे रेस्टोरेंट को देखने के बाद फाइनली हमें ये रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे हमने सोचा कि बैठ के थोड़ा स्नैक्स खाया जाए और बीच का व्यू लिया जाए। हमने इस रेस्टोरेंट में ऐसी जगह ली थी जहाँ से बीच का फुल व्यू दिख रहा था, और हमें बहुत अच्छा लग रहा था इन वेव्स को देखते हुए खाना खाते खाते। और देखते ही देखते हमारा पूरा दिन कैसे निकल गया यहाँ पे हमें पता भी नहीं चला, और शाम हो गई है यहाँ पे। आप सामने देख सकते हैं सनसेट का व्यू कितना अमेजिंग लग रहा है, और ये हमारे रेस्टोरेंट से ही हमें दिख रहा था। ये सनसेट देखते देखते तो मैं जैसे गुम ही हो गई थी, मुझे आइडिया ही नहीं लग रहा था कि मैं कितने टाइम बस इस सनसेट को देखी जा रही हूँ। और अब यहाँ से व्यू देखिए, इमेजिन इतने सारे रेस्टोरेंट फुल डेकोरेटेड विद अ सनसेट व्यू, इट्स वर्थ कमिंग हियर। वी आर सो बिजी इन आवर डेली लाइफ कि हम सनसेट को देख ही नहीं पाते हैं, और इसीलिए मैं इस टाइम को फुल एंजॉय कर रही हूँ और इस व्यू को बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ। आज हमारा बीच डे का टूर हुआ फिनिश, अब यहाँ पे 10 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, एंड सन इज अबाउट टू सेट, विल सी द सनसेट और उसके बाद ही हम जाएंगे। बट आप हमें छोड़ के कहीं ना जाए, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें वो बेल आइकन को ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस दिखती रहे। स्टे ट्यून, बाय बाय।